अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुर्की शहर इस्तांबुल दे विच है मस्जिद है जेड़ी के 85 साल बाद खुली है। हाँ, वुज़ू करने वाली जगह है। पचासी साल बाद मस्जिद खुली है। 85 साल पहले इतने मुसलमान थे, दूसरे गैर मुसलमान, उन्हें दरमियान बड़ा मसला बनया है, झगड़ा बनया है। एक दिन असा इतने इबादत करनी, दूसरे दिन असा इबादत करनी, तो उस तो बाद सील हो गई है। तो हूँ आके 85 साल बाद ये मस्जिद खुली है। सारे टूरिस्ट आए न, कोई किधरों आया कोई किधरों आया। मेन गेट है दरवाजा। अच्छा, वाह, बड़ा बड़ा गेट है। है उस तो गला बड़ा दरवाजा बहुत ज्यादा रश है। तो आंदा है सब घूमन फिरन आए हैं। है जुतियाँ रखने की जगह इधर आया। वाह, जबरदस्त है ना भाई अंदर। है वो मस्जिद है भाई जी, जेड़ी 85 साल बाद खुली। बहुत ज्यादा रश है भाई जी, बड़ी दूरों दूरों इतने दुनिया आती है सिर्फ इस जगह नु विजिट करने वास्ते। मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, क्योंकि मस्जिद 85 साल बाद खुली है। बेचारे ठीक है भाई जी, बहुत ज्यादा रश है भाई जी। वीडियो बन रही है, बनना क्या है की जगह है उसका? ये खाली जगह क्यों है? Thank you.
तुर्कश जबान में गल कर रहे कड़ा सानू समझ आनी है दोस्तों तुर्कश जबान में गल हो रही है सानू कोई समझ नहीं आ रही इस जगह के बारे दस रहा है इस जगह खाली जगह क्यों है क्यों इधर कोई नहीं जा सकता वाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है 85 साल बाद खुली है मस्जिद तो फिलहाल तो थोड़ा जहा रश घट है पहले बहुत ज़्यादा रश होता सी वो जगह जिते कुरान पाक पढ़ते सन मेरा तो ख्याल है बहुत पुराने जमाने के कुरान पाक जड़ा नहीं है तो उस टाइम जड़ा नहीं हालात नहीं सी ठीक होंगे तो उस टाइम ही ना मस्जिद फिर बंद कर छड़ी आई बहुत पुरानी मस्जिद है पुराने झंडे लगे 85 साल के भैड़ो दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बहुत करम सरफराज भाई जी मुछन वट दे रहे हैं ये जगह पे बंदे नमाज पढ़ रहे हैं माशाल्लाह हम ये नहीं आता वे ठीक है दोस्तों अल्लाह हाफिज़ हम मैं वीडियो बंद करन लगा असर दिन नमाज का टाइम है ये ना हो के आया सी मैं नमाज भी नहीं इधर पढ़ी मेहराब बहुत रश है जनाब मेन हाल है कोई गल है
पुराने जमाने दरवाजे भी बड़े मोटे मोटे ने दोस्तों, देखो बड़े मोटे मोटे दरवाजे ने, कितने लंबे लंबे दरवाजे ने।